जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यंध सिंदुर विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम् पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक इस ग्रंथ में संलेखना का अपना प्रकरण चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रत्येक आत्मार्थी का लक्ष्य होता है, आत्मार्थी के लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं, जो भी आत्मार्थी होगा, जो भी आत्म कल्याण करेगा, उस व्यक्ति का नियम से निश्चित तौर पर एक लक्ष्य जरूर होगा, मेरा मरण नहीं बिगड़ जाए, मेरा अंत समय नहीं बिगड़ जाए, अंत समय तक हाथ पांव चलते रहें, अंत समय तक आराधना चलती रहे, अंत समय तक धर्म ध्यान बराबर होता रहे, ये सोचता है व्यक्ति। हर आराधना करने वाला व्यक्ति ये सोचता है। सबके दिलो दिमाग में एक ही बात आती है, संयम पूर्वक, साधना पूर्वक, समाधि पूर्वक देह छूटे, समाधि पूर्वक देह छोड़ने की भावना है। निरंतर हम यही भावना भाते हैं, हो हमारा समाधि मरण, अंत समय देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना सच में, ये भावना सिर्फ बोलने की नहीं है, ये भावना सिर्फ कहने की नहीं है, ये भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गूंजनी चाहिए। भले ही प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये भावना हो या न हो, लेकिन आत्मार्थियों के दिलो दिमाग में तो ये भावना अवश्य होती है। हर आत्मार्थी के दिल दिमाग में ये भावना होगी होगी और होगी कि अंत मेरा बिगड़ नहीं जाए। देखिए, समाधि मरण, यह समाधि मरण, ये समाधि की भावना, ये संलेखना, ये आत्मघात नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है। भले ही देह छूटती हो, शरीर को क्रिश करने के विचार चलते हो, शरीर को क्रिश करने की भावना चलती हो, इसलिए संलेखना को दो प्रकार से आचार्यों ने प्ररूपित किया है। एक को काय क्रिश करने की बात कही है और एक को कषायों को क्रिश करने की बात कही है। कषाय संलेखना और काय संलेखना। कषाय भी घटती चली जाए और काय भी क्रिश होती चली जावे, क्योंकि काय को भी छोड़ना है ना, लेकिन कब छोड़ना? ये बड़े सुंदर प्रकरण हैं, जिन प्रकरणों को यहाँ स्वयं टोडरमल जी साहब ने उठाया है। मुझे लगता है ये वे संलेखना के प्रकरण हैं जो इनके पुत्र टोडरमल जी के पुत्र गुमानी राम जी के लिए एक चिंतन का बहुत बड़ा आधार बने होंगे। यह भी मैं कह सकता हूँ, ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि टोडरमल जी की जो ये टीका थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका, ये पूर्ण नहीं हो सकी। क्या साहब? टोडरमल जी की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पूर्ण नहीं हो सकी, और प्राप्त उल्लेखों के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सम्यक चारित्र की चर्चा, चारित्र अधिकार, मुनि धर्म स्वरूप की चर्चा, ये चर्चा पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने उनकी व्याख्या की, क्योंकि दौलत राम जी के अंतिम शब्द हैं। देखिए, मैं आपको एक मिनट कुछ इसकी हिस्ट्री और इतिहास से रिलेटेड कुछ बात कहना चाहता हूँ। 273 नंबर पेज देखिए अपनी पुस्तक का, एक मिनट के लिए, 273 नंबर पेज। इस प्रकार पंडित दौलत राम जी, बिल्कुल लास्ट लाइन है जहाँ प्रकरण खत्म हुआ है, जहाँ ग्रंथ खत्म किया है, वहाँ की लाइनें देखने की बात कह रहा हूँ। इस प्रकार पंडित श्री दौलत राम जी कासलीवाल कृत सकल चारित्र भाषा टीका समाप्त। बस यहाँ एक उल्लेख मिला है, जिस उल्लेख में ये बात कही गई है कि पंडित दौलत राम जी कासलीवाल के द्वारा
सकल चारित्र की भाषा टीका यहाँ संपन्न हुई है। सकल चारित्र भाषा टीका, ग्रंथ की भाषा टीका नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका टोडरमल जी लिख रहे थे, लिखते लिखते बीच में ही टोडरमल जी का देवलोक गमन हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका, उनका मरण हो गया। और बाकी जो बचा हुआ शास्त्र था उसे दौलत राम जी कासलीवाल ने पूरा किया। तो दौलत राम जी कासलीवाल कह रहे हैं सकल चारित्र टीका संपन्न, इसका मतलब सकल चारित्र जहाँ चर्चा हुई है, जहाँ सकल चारित्र की चर्चा जहाँ से आई है हमें लगता है वो चर्चा दौलत राम जी कासलीवाल ने की है। और यह सकल चारित्र की जो चर्चाएँ हैं ये चर्चा शुरू हो रही है कितने पर पापा? 200 हाँ 272 पे भी है दौलत राम जी ने संपन्न किया। हाँ देखिए मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम ये कहना चाह रहे हैं ये आखिर कहाँ तक कहाँ से लिखा होगा ये सकल चारित्र की चर्चा। अब इसको थोड़ा सा आधार बनाएं आगे पीछे देखें अपन, तो सकल चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो रही है मुनि धर्म के स्वरूप से। मुनि धर्म के स्वरूप से चर्चाएं हैं 200 नंबर के श्लोक से। 200 नंबर का श्लोक देखिए, पेज नंबर देखिए 226 227 227 226। सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कह रहा हूं, बस एक से दो मिनट के एक मिनट के अंदर अंदर पूरी कर रहा हूं बात। लास्ट लाइनों से पता लगा दौलत राम जी कासलीवाल ने सकल चारित्र की चर्चा को संपन्न किया। सकल चारित्र की चर्चा शुरू हो रही है 200 नंबर के श्लोक तक, इसका मतलब 200 नंबर के श्लोक के पहले माने 199 नंबर के श्लोक तक चर्चा की है संभवतः टोडरमल जी ने, एक अनुमान है। और बारीकी से देखा जा सकता है, अभी ये थोड़ा सा लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, नहीं तो हम मूल प्रति जा करके देखेंगे, क्योंकि टोडरमल जी हमारे ही जिन मंदिर में हुए हैं हम ऐसा कह सकते हैं, हम वे सौभाग्यशाली हैं जो टोडरमल जी के जिन मंदिर का कार्यभार उसकी जिम्मेदारी सब हमारे कंधों पर है, माथे पर है। तो हम देखेंगे वहाँ जाकर के टोडरमल जी की मूल हस्तलिखित प्रति को, और उस हस्तलिखित मूल प्रति को देखने से भी पता लगेगा कि वो अधूरी है, कहाँ तक है। टोडरमल जी के हैंडराइटिंग से मिलान करके देखा जा सकता है, क्योंकि टोडरमल जी के हैंडराइटिंग वाला ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक मूल वो तो हमारे पास में है ही। तो मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशन जो टोडरमल जी का खुद के हाथ का लिखा हुआ है मूल, वो ग्रंथ तो है ही, तो उससे हैंडराइटिंग मिलाई जा सकती है। और किस जगह पर इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में हैंडराइटिंग चेंज हुई है उससे अंदाजा लग सकता है कि कहाँ हुआ होगा। लेकिन तो भी देखिए 200 दूर नहीं है, मुश्किल से एक आध दो दिन और लगे होंगे टोडरमल जी को ये 200 तक पहुँचने में, 199 पूरा करने में, 199 तक पहुंचने में 2-4 दिन और लगे होंगे। जिस जगह पर अभी एट प्रेजेंट में अपन खड़े हुए हैं, शायद हो सकता है टोडरमल जी को इस बात का अंदाजा लग गया हो, किस बात का कि शायद पता नहीं, निमित्त ज्ञानी भी हो सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति थे, गहन अभ्यासी थे, टोडरमल जी की प्रतिभा बहुत बेजोड़ थी। वे टोडरमल जी साहब, हाँ भदीजन जी के मंदिर में भाई साहब सही कह रहे हैं, तो टोडरमल जी की जो प्रतिभा थी बेजोड़ प्रतिभा थी, पंडित जी साहब को कुछ भाव भाषण हो गया होगा, कुछ आभास हो गया होगा। इसलिए देखो आप, प्रारंभ से मैं देख रहा हूं किसी भी श्लोक की टीका कुछ खास नहीं, 2-5-10 लाइन के अंदर लिख करके पूरा कर देते हैं। और ये जहां संलेखना का प्रकरण आया, जहां समाधि मरण का प्रकरण आया, आप देखिए जो आज अपन श्लोक ये बोल रहे हैं 178 नंबर, 6-7-8 पेज लिख दिए इसके बारे में, संलेखना क्या है, समाधि मरण क्या है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, क्या विधि हो सकती है, आत्मघात नहीं है, व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, कषायों को कृष किया जाना चाहिए, परिस्थिति ऐसी बन जाए तो भोजन को छोड़ देना चाहिए, माने वो उनके दिलो दिमाग में संलेखना और समाधि मरण का चिंतन चल रहा था टोडरमल जी के दिलो दिमाग में, लेखनी में आ गया यहाँ पे। क्या उधर मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रहा क्या, और इधर ये अधूरा रहा, जीवन पूरा हो गया, काल पूरा हो गया, उसमें क्या है, आयु कर्म पूरा हो गया, किसको क्या क्या कह सकते हैं अपन। लेकिन ये उनके जो चित्त में जो नहीं, दौलत राम जी जो छेड़ाला वाले हैं वो अलग हैं, और ये जो दौलत राम जी कासलीवाल हैं ये अलग हैं। क्या
जो दौलत राम जी छेड़ाला वाले हैं हैं, वो सासनी के हैं दौलत राम जी, और ये दौलत राम जी अलग हैं। दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर के ही विद्वान हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं ये तो। और टोडरमल जी की शैली में, टोडरमल जी के ही समझ लो आप समागम भी इनका रहा होगा, बाद में लोगों ने इनको निवेदन किया होगा इसको करने का, तो इन्होंने किया होगा। गाथा 196 तक किया है, उसके भी पहले आया है क्या कहीं कुछ लिखा है क्या 196 के बाद लिखा है, उसके पहले लिखा है? तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है यदि स्पष्ट शब्दों में। देखो आप 218 है, 218 पर लो, और भी स्पष्ट हो गई ये तो बात। हम 199 तक समझ रहे थे, ये 196 तक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिख दिया, ये पंडित प्रवर टोडरमल जी कृत भाषा टीका समाप्त। बोलो आगे, सकल चारित्र व्याख्यान की भाषा टीका, ये वास्तव में सकल चारित्र यहीं से शुरू हो रहा है, वो मुनि धर्म था, ये तप का स्वरूप शुरू हो गया ना तीसरे सम्यक चारित्र अधिकार से, तो लो और भी कम हो गया। इसका मतलब समाधि मरण की चर्चा से है? कितना नजदीक, मैं समझता हूं दो दिन का, एक दिन का भी गैप नहीं रहा होगा, एक या दो दिन का, तीन दिन मान लीजिए आप, दो तीन दिन ये समाधि मरण की संलेखना की चर्चा लिखने के बाद, दो से तीन दिन में पंडित जी साहब का स्वर्ग लोक देवलोक गमन हो गया। बोलो आप क्या चिंतन चल रहा होगा उनके दिलो दिमाग में, समाधि का प्रकरण चल रहा था, संलेखना का प्रकरण चल रहा था, और मैं इस प्रकरण को उससे भी जोड़ता हूँ ये तो स्पष्ट, क्योंकि ये जो है ना प्रारंभ में प्रस्तावना में लिखा नहीं, इसकी जो प्रस्तावना वगैरह जो लिखी है ना, ये प्रस्तावना लिखी है, संपादन किया है ब्रह्मचारी यशपाल जी ने इस पुस्तक का, जो पुस्तक हमारे पास में उपलब्ध है, और इसके प्रकाशकीय में और आगे भी जो इन्होंने लिखे हैं अपने जो आत्मकथ्य जो लिखा है इस तरह का, संपादन में नवीनता ऐसा लिखा है ना, फर्स्ट पेज जो है ना प्रकाशकीय के जस्ट बदलते ही, शुरू से दो पन्ने बदलेंगे आप तो संपादन में नवीनता ये लिखा है, और इसके अंदर चौथे नंबर का पॉइंट दिया है, देखिए ये पहले का पढ़ा हुआ था मेरा, संपादन की नवीनता में चौथे नंबर का पॉइंट, पंडित श्री टोडरमल जी के ढूंढारी भाषा के मूल प्रति के साथ मिलान करके विशिष्ट सुधार भी किया है, और नीचे सात नंबर का पॉइंट देखिए, पंडित श्री टोडरमल जी कृत भाषा टीका एवं पंडित श्री दौलत राम जी कासलीवाल कृत भाषा टीका के विभाजन का भी विशद ज्ञान कराया है इस ग्रंथ में, इस कृति में ये विशद ज्ञान कराया है, ये तो लिख दिया था इन्होंने। अब इतना तो लिखा, फिर मैंने आगे पीछे सब तरफ तलाशा तो मुझे कहीं ऐसा स्पष्ट दिखा नहीं, मैंने कहा इन्होंने लिखा तो है, अभी कहाँ लिखा है, और लास्ट में जो मिला उससे ये पता लगा कि सम्यक चारित्र इन्होंने किया है। अब सम्यक चारित्र शुरू कहाँ से हुआ, तो ये स्पष्ट पेज बदलने पर ये बात पता लग गई कि ये 196 तक टोडरमल जी की हुई है, और 197 से दौलत राम जी कासलीवाल की हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य बतलाता हूँ आपको, टोडरमल जी के पुत्र हैं गुमानी राम जी, थे कह सकते हैं अपन गुमानी राम जी, एक दिन मैंने पहले भी गुमानी राम जी का जिक्र किया था आप लोगों के बीच में, गुमान पंथ आमनाए हैं, एक दिन गुमानी राम जी के मंदिर में प्रवचन बहुत किए हमने वहाँ प्रवचन उस मंदिर में भी, तो गुमान पंथ आमनाए के संदर्भ में एक दिन चर्चा की थी, उसका वीडियो मुझे तलाशना पड़ेगा, यूट्यूब पर तो शायद नहीं है, डालूंगा मिलेगा तो तलाशता हूँ, वीडियो है मेरे पास में कहीं ना कहीं रखा होगा, डाल दूंगा कभी। तो अब ये जो दौलत राम जी के बेटे गुमानी राम जी थे, बहुत विद्वान थे, काफ़ी चर्चाएं चली होगी शायद टोडरमल जी की डेथ के बाद, और लोगों ने ऐसी चर्चाएं की होगी, अरे अरे इतना धर्मात्मा था मरण बिगड़ गया, अरे अरे मौत कैसे हो गई टोडरमल जी की, इतने बड़े विद्वान होकर के भी देखो अंत समय कुछ नहीं हुआ भाई साहब, खत्म ही हो गया जीवन यार, क्या किया यार, बिगड़ गया यार, संलेखना नहीं ले पाए, समाधि मरण नहीं हो पाया उनका, ऐसा नहीं हो पाया, बहुत चर्चाएं उठी होगी इस तरह की, समाज में उठी होगी, वातावरण में उठी होगी, हैं नहीं सुनी आपने? तो मैंने एक दिन चर्चा की इस तरह की, जब गुमानी राम जी का
लिखा हुआ एक समाधि मरण का स्वरूप प्रकरण, एक पेज का प्रकरण गुमानी राम जी का। हरीश्चंद्र और गुमानी राम दो बेटे थे टोडरमल जी के, और अभी तो दादा ने विशेष बात कही कि उनकी पुत्री भी थी कोई, उनकी रिसर्च में पता लगा। दादा ने पीएचडी की है टोडरमल जी के ऊपर। बहुत ज़्यादा पुराना काल नहीं है, दो पांच सात पीढ़ियाँ बीती होगी, पांच सात पीढ़ियाँ और क्या है। लेकिन बस यही है कि आगामी पीढ़ियों में यदि कोई धर्म कर्म करने वाला नहीं हो, धर्म ध्यान करने वाला नहीं हो, स्वाध्यायी नहीं हो, तो भूल भाल जाते हैं। किसको पता रहता है कौन क्या था, हमारे पाँच छः पीढ़ी पहले कौन क्या थे। ये तो जिसको महिमा आती है वो उसकी वैल्यू समझता है। तो बात मैं कह रहा था, गुमानी राम जी का लिखा हुआ एक प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम है समाधि मरण प्रकरण। ये लिखा है समाधि मरण प्रकरण इस नाम से। उसका एक पेज का प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के खत्म होने के बाद, खत्म तो मतलब जितना रहा उसके बाद, प्रथम परिशिष्ट के रूप में दिया है। एक पेज का प्रकरण समाधि मरण का स्वरूप, लेखक हैं उसके टोडरमल जी के बेटे गुमानी राम जी। देखो कुछ इंटरेस्टिंग बात है, तो जब टोडरमल जी डेथ हो गई, समाज में चर्चा चलती होगी, उनके बच्चे भी सुनते होंगे कि यार पिताजी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि हम वास्तव में यार इतने धर्मात्मा थे, इतने बड़े विद्वान थे, इतने काम उन्होंने किए, इतनी टीकाएं उन्होंने की, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए, अंत समय में उनका जीवन ऐसे पूरा हो गया। तो फिर उन्होंने जगत के लोगों को शांत करने के लिए आगम के आधार से एक प्रकरण लिखा, समाधि मरण का स्वरूप। और उसका पहला ही वाक्य है, संभवतः पहला ही वाक्य है उसका, समाधि नाम तो शांत परिणामों का है। लो, समझ में आ रही है बात? समाधि नाम तो निकषाय भाव का है, शांत परिणामों का है। निकषाय भाव का नाम समाधि है। गजब हो गया, गजब हो गया है? गुमानी राम जी क्या गजब वाक्य लिखा। अरे एक वाक्य इतना जबरदस्त दे दिया उन्होंने, समाधि किसका नाम है। मानो इस एक लाइन के अंदर ऐसी जबरदस्त लाइन है जिस लाइन ने ये प्रूव कर दिया, जिस लाइन ने ये सिद्ध कर दिया, जिस लाइन ने ये बतला दिया कि टोडरमल जी का मरण समाधि पूर्वक हुआ था। समाधि पूर्वक हुआ था पंडित जी का मरण, निकषाय, क्योंकि टोडरमल जी का निकषाय भाव जगत में प्रसिद्ध है। बोलो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया उनको, हाथी के पैर के नीचे। राजा को गलत फहमी हो गई, राजा को गलत फहमी हो गई, राजा के कान भर दिए गए, राजा के दिलो दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया गया, उन्हें उठवा दिया गया और उठवा करके लाए और भरे मैदान में हाथी के पैर के नीचे उन्हें कुचलवा दिया गया। क्या दर्दनाक घटना होगी वो। ऐसा सुनते हैं लोगों ने कहा माफी मांग लो टोडरमल जी से। टोडरमल जी ने कहा, टोडरमल जी से कहा कि तुम जाओ राजा से माफी मांग लो, प्रजा से माफी मांग लो, गलती हो गई। शांत शांत हाथी के पैर के नीचे, और महावत बैठा हुआ है हाथी के ऊपर, और अंकुश आप जानते हैं ना, हाथी को कंट्रोल करने के लिए लोहे का इतना बड़ा होता है ऐसा पैना, आगे से ऐसा चुबाता उसके ऊपर, कंट्रोल करता है हाथी को। और उसे लेकर टोडरमल जी यहां गड्ढे के अंदर गंदगी, जहां उनको खड़ा किया और हाथी को कहा कि इसके ऊपर पैर रख करके इनको कुचल दे। हाथी ने पैर तो उठाया लेकिन पैर नहीं रखा उनके ऊपर। बोलो आप, पैर नहीं रखा उनके ऊपर। एक मिनट हो गई, दो मिनट हो गई, चार मिनट हो गई, लहूलुहान हो गया हाथी, हाथी की आंखों से आंसू बहने लग गए, मैं कैसे इनके ऊपर पैर रखूं, मैं नहीं रख सकता हूं इनके ऊपर पैर। टोडरमल जी ने संबोधन किया उसको। प्रसिद्ध है ये सारी बातें, जग जाहिर है ये सारी बातें, बहुत ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं हैं, हम तो सुनते आए हैं, परंपरा से सुनते आए हैं हम ये सारी बातें। टोडरमल जी ने आदेश दिया, अरे भाई, अरे अरे भाई तू क्या करता है, तू अपना कर्तव्य निभा। आयु यदि पूरी होने का काल आ गया होगा तो बचाने में कोई समर्थ नहीं है क्या, तू अपना कर्तव्य निभा। मैं वो हूँ जो मरने वाला नहीं हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज चैतन्य तत्व में हूं, मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं वो ध्रुव तत्व हूं जिसे कोई मारने वाला नहीं है। ये जो समाधि का जो चिंतन चल रहा था ना टोडरमल जी के दिमाग में, जो मैं अभी कह रहा हूं यहां,
178 पर यहां से लिख रहे हैं, ये समाधि का इतना प्रकरण उन्होंने लिखा, उनके दिलो दिमाग में शांत परिणाम घूम रहे थे, समाधि के परिणाम, संलेखना के परिणाम उनके दिलो दिमाग में घूम रहे थे। अचानक मृत्यु का काल आ गया, आ गया तो आ गया, अचानक मृत्यु क्या हो गया, सामने कोई व्यक्ति आकर के आपके ऐसे बंदूक तान करके खड़ा है, बोलो जान से मार दूंगा तुम्हें, आप क्या करेंगे? परिणामों को शांत रखें, ओहो मैं अन्न जल का त्याग करता हूं भैया, ओह क्या करूं मैं, अन्न जल का त्याग करता हूं सदा सदा के लिए, अब मुझे कुछ नहीं खाना पीना है। शांत परिणामों पूर्वक अपने ज्ञान और आराधना पूर्वक यदि जीवन पूरा करे, कषायों को शांत करते हुए, बोलिए उसका नाम समाधि है, उसका नाम समाधि है। ये जो समाधि मरण का वो जो एक पेज का प्रकरण है ना, मैं एक आध दिन कही थी, मैंने YouTube पर डले हुए हैं वो समाधि मरण के प्रवचन, 18 प्रवचन है, 18 प्रवचन एक पेज के ऊपर, कल परसों भी कही थी आपसे मैंने, क्या ये जो प्रसंग हैं, मैंने एक दिन अभी आपको पहले भी बतलाई थी टोडरमल जी के बारे में, किसने, प्रमाण सागर जी ने, प्रमाण सागर जी महाराज ने सभा में टोडरमल जी की प्रशंसा करते हुए ये सारी बातें कही, वीडियो उपलब्ध है, और ये सारी पूरी घटना बतलाते हुए कहा टोडरमल जी महापुरुष थे, टोडरमल जी ज्ञानी पुरुष थे, टोडरमल जी ने जो किया अभूतपूर्व काम किया है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरा मरण नहीं होता, मुझे मृत्यु आती नहीं है, ऐसा चिंतन, ये सब प्रमाण सागर जी ने अपने वीडियो में बोला है, दो एक मिनट का वीडियो है शायद, दो तीन मिनट का, उसमें क्या व्यक्तित्व थे वो। अब सोचो जरा, अब जो व्यक्ति समाधि के बारे में विचार करता हुआ अचानक मरण को प्राप्त हो गया, दुनिया कह रही है मरण बिगड़ गया, दुनिया कह रही है मरण खराब हो गया, तो गुमानी राम जी टोडरमल जी के बेटे, इन्होंने जो प्रकरण लिखा, पूरे प्रकरण में समाधि नाम किसका है पहले ये पता करो आप, समाधि नाम किसका है बोलो, किसका नाम है समाधि? शांत परिणाम, निकषाय भाव। अरे मेरे पिताजी के परिणाम शांत थे, मेरे पिताजी के परिणामों में आकुलता नहीं थी, मेरे पिताजी के परिणामों के अंदर कषाय भाव नहीं, नाम नहीं लिखा उन्होंने, ध्यान देना, नाम नहीं लिखा। समझने वाले समझ जाओ अपने आप, जिसको समझना हो, जिसको समझना हो समझ जाओ, समाधि का स्वरूप तुम समझोगे तो अपने आप शायद जो वातावरण बिगड़ा होगा वो वातावरण शांत हो गया होगा। मुकेश जी, भाई साहब मुकेश जी तन्मय, हमारे विदिशा वाले विद्वान, बोलो किसे शांत परिणाम रहे होंगे? अरे परिस्थिति किसके कंट्रोल में है यार, दंगों में अभी हम यहां से बाहर निकले और दंगे हो रहे हो और मर जाएं तो मर जाएं, अचानक हो जाती है ऐसी स्थिति, क्या करेगा, तो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अंत समय में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे अंत समय में जो यहां संलेखना के दो प्रकार बतलाए थे, एक तात्कालिक संलेखना और एक पारंपरिक संलेखना, एक पहले से संलेखना अंगीकार कर लेना जिसका काल मैक्सिमम 10-12 साल तक कहा गया है, आगे अगले पेज पर आएगी चर्चा, 12 साल तक का काल कहा गया है उस संलेखना का, वो तो लंबी हो गई संलेखना चलने वाली, शांत परिणामों में हमने सब त्याग दिया, निर्वृत्ति ले ली हमने, और ये चल रहा है 10-12 साल तक, चल जब जितने समय तक चलती रहेगी, 2 साल में 3 साल में 4 साल में जब मरण होगा हो जाएगा। एक तो वो संलेखना हो गई, एक संलेखना हो गई बंदूक के नोक यहां रखी हुई है, शांत परिणाम है, एक वो संलेखना है, वो कैसी संलेखना होगी? तत्काल संलेखना, ओहो अन्न जल आहार पानी का सबका त्याग करता हूं मैं, ओहो वस्त्र पर, वस्त्र जितने तन पर हैं, ये तन पर मौजूद वस्त्र मात्र ही मेरा परिग्रह है, बाकी समस्त परिग्रहों का मैं त्याग करता हूं। अरे तन मात्र मेरे से भिन्न है, ये वस्त्र मेरे कैसे हो सकते हैं? ये चिंतन चलता है समाधि मरण करने वाले का, इसका नाम समाधि मरण है। कैसे शांत परिणाम होते होंगे, और वो शांत परिणाम कैसे होते होंगे बतलाइए मुझे, बोलो, आत्म स्वरूप के अवलंबन के बिना परिणाम शांत कैसे हो सकते हैं? जो अपने आप को देह रूप मानेगा उसे तो मरण की अनुभूति होगी ही होगी, मरेगा वो तो, उसको तो फीलिंग में यही आएगा, मैं मरा मरा, बचा लो मुझे, मैं मरा, क्योंकि ये मरण दिख रहा है उसको, मौत दिख रही है उसको। और जिसने ये समझ लिया, क्या मेरा नहीं है, ये नादान लोग, ये जगत जीव, ये साधारण लोग, ये ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने गोली चला दी इसके सीने पर, चला दी गोली तो इसको मार दिया, बहुत बड़ी गलत फहमी में है भाई साहब, मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता नहीं हूं, तब होता है समाधि मरण। बोलो
तब होता है समाधि मरण, जब आत्मा की खबर होती है, जब आत्मा का अवलंबन होता है, जब अपने स्वरूप को जानता है, जब अपने स्वरूप को पहचानता है, जब अपने में समा जाता है, जब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे क्या देखूं मैं, देखने लायक है क्या जिसे मैं देखूं? कुछ देखने लायक नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में कुछ अपनाने लायक नहीं है। ओहो ये मृत्यु तो मेरे उपकारी है, ये सब प्रकरण आएगा बहुत सुंदर सुंदर। ये मृत्यु तो मेरी उपकारी है, इस जीवन शीर्ण देह से मुझे विरक्ति दिला रही है। ये मृत्यु मेरी सखा है, ये मेरी मित्र है, ये मेरी संबंधी है, ऐसा विचार करता है। मृत्यु के बारे में ज्ञानियों का विचार कैसा होता होगा, मृत्यु के बारे में ज्ञानियों का चिंतन कैसा होता होगा। मृत्यु तो कंपलसरी है ना, ये तो 100% है ना भाई। दो ही बातें हैं, या तो हो जाए निर्वाण, और निर्वाण नहीं हुआ तो होगी मृत्यु। दो ही तो बातें, निर्वाण इस पंचम काल में होता नहीं है तो मृत्यु तो कंपलसरी है। अमर होकर के तो कोई आया नहीं है हम आपके बीच में। अब बात यह है कि आप उस मृत्यु को किस तरह से स्वीकार करते हैं, सारी बात वहां है। आप यदि उस मृत्यु को सहज भाव से, शांत भाव से स्वीकार करते हैं तो आपका मरण समाधि मरण कहलाएगा। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, ये दवाई दो, वो दवाई दो, ऑक्सीजन लगाओ, ये करो, ये करो, दुनिया भर की झमेलों के अंदर यदि उलझा हुआ है, तत्व को भूलकर देह देह यदि याद आती है तो समझ लेना मरण बिगड़ गया। क्या फिर समाधि मरण नहीं है? क्या फिर नहीं हो सकता है समाधि मरण? इसका मतलब समाधि मरण करने भावना वाले भाने वाले व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना चाहिए। समाधि मरण की भावना भाने वाले व्यक्ति को अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए मैं कौन हूं भैया, उसे कोशिश करनी चाहिए अपने स्वरूप को जानो। अपने में लीन हो जाने पर फिर ये अमर हो जाता है, ये व्यक्ति क्या अमर हो जाता है। जब उपयोग उपयोग में लीन हो गया, अब अमर हो गया। समुद्र से निकली हुई बूंद यदि समुद्र में मिल गई तो वह अमर हो गई, ज्ञान यदि ज्ञायक में मिल गया तो वह अमर हो गया, अमरत्व को प्राप्त हो गया। अब कौन मरे? मरे अनंत बार मरे भाई, अनंत बार मरे। कैसे मरे? बिन समझे, बिना समझे मरे अनंत बार मर गए, बिना समझे मरे। अब समझ लिया, अब नहीं मरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या क्या है भाई साहब, क्या नहीं हो गया भजन? दौलत राम जी के भजन है ये भी। अब हम अमर भये न मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, बिन समझे अनंत मरे हैं, अब नहीं मरेंगे। अब कौन मारे मुझे? क्या शरीर और आत्मा का वियोग होना है सो हो जाएगा, आयु पूरी होनी है सो हो जाएगी। अमर होकर के तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरा मरण नहीं होगा, मुझे ये खबर लग गई। मेरा मरण होता है, इस घबराहट से मैं दुखी होता था, और आज मुझे पता लग गया कि मेरा मरण होता ही नहीं है। अब दुखी होने का क्या काम है? चेहरे पर शांति होती है, चेहरे पर सहजता होती है। अरे त्रियंच गति के जीव भी उस सहजता और शांति को पढ़ लेते हैं। पढ़ा एलिफेंट ने, पढ़ लिया उस हाथी ने, क्या पढ़ लिया? अरे ये कोई दिव्य पुरुष है, अरे ये कोई महापुरुष है, इन महापुरुष को तो मैं अपना मस्तक झुकाता हूं, इन महापुरुष को मैं चरण कैसे लगा सकता हूं, इन महापुरुष के ऊपर मैं पैर कैसे रख सकता हूं, ये भांप लिया उसने। सैनी होते हैं त्रियंच गति के ये जीव, ऐसे हाथी घोड़े वगैरह सब पंचेंद्री जीव था। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, आंखों से बह रहे, और टोडरमल जी उपदेश दिए जा रहे हैं। देखो आप, उपदेश देने वाले व्यक्ति बड़े गजब के होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे समय में भी उपदेश देने रुकोगे, भाई क्या करें, हमने तो जीवन भर उपदेश ही दिया है, अब मनुष्य न सही हाथी सामने खड़ा है तो तुझे उपदेश सही, जाते जाते भी उपदेश देते देते जीवन पूरा होगा, हम क्या बताए। बोलो हे गजराज, बोलो क्या कह रहे हैं हे गजराज, शब्द तो सुनो उनके, क्या शब्द रहे होंगे। सभा खड़ी हुई है, लोग देख रहे हैं, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, राजा खड़ा हुआ है देख रहा है, महावत कोशिश कर रहा है, अंकुश चुबा रहा है उनके, लेकिन क्या करें। बोलो नहीं है, कहां चला गया डर? डर कब तक है?
मैं मर जाऊंगा इस बात में डर है और मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं निडर हो गया। बस बोलो क्या करें, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे मार देगा, बचा लो मुझे। अब ये डर रहा है, अब तुझे मारने की जरूरत नहीं है, तू तो डर से वैसे ही मरा हुआ है, तुझे कौन मारेगा। जो डर गया सो मर गया, ऐसा है। डर ही रहा है, डर ही तो मरण है और क्या है। व्यक्ति मौत से कम मरता है, डर डर के ज्यादा मरता है, डर से मरता है, दिन रात डरता रहता है, मैं मर नहीं जाऊं, पैर नहीं फिसल जाए, कोरोना नहीं हो जाए, बुखार नहीं हो जाए, टाइफाइड नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, किडनी खराब नहीं हो जाए, अटैक नहीं आ जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये जो होएगा सो होएगा यार। मरण तो एक समय मात्र का है, तू मरण का विकल्प कर करके प्रति क्षण मरता रहता है, हर क्षण मर रहा है, मरण का विकल्प करके मर नहीं जाऊं इन विकल्पों से हर समय तो मर रहा है। गर्मी से मर गया, सर्दी से मर गया, विकल्पों से हर समय तो मर रहा है, गर्मी से मर गया, सर्दी से मर गया, भूख से मर गया, इससे मर गया, उससे मर गया, मर जाऊंगा मैं हर समय देते हैं भाई साहब। जिन ज्ञानी जीवों को ऐसी खबर हो जाती है, मैं नहीं मरता, मैं वो तत्व हूं जो मरता नहीं है कभी भी, इस बात की जिन ज्ञानियों को होती है, निश्चिंत रहते हैं, शांत रहते हैं, क्या जीवन पूरा हो जाएगा, नई गति में पहुंच जाएंगे, नए भाव में पहुंच जाएंगे, नई अवस्था होगी, जो होगी सो होगी। अरे हमें तो वो भी नहीं चाहिए और हमें तो ये भी नहीं चाहिए कि साहब बचा लें आपको, बचाने की भावना भी यदि आ जाए तो समाधि बिगड़ गई, और मरने की भावना आए तो समाधि बिगड़ गई। कल हमने वाक्य पढ़े थे यहां, जीने की हो नई इच्छा, मरने की हो न वांछा, इसका नाम समाधि है। बोलो मर गए तो मर गए, जी लिए तो जी लिए, कोई बात नहीं, आयु तो जी लिए, आयु पूरी हो गई, मर गए। जीने की हो नई इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। बस मोह गया, संलेखना हो गई, क्या मोह गया और संलेखना हो गई, ममत्व टूटा और संलेखना हो गई, तन के प्रति अपनापन टूटा और संलेखना हो गई। सुनो सुनो, दो वाक्य बोलता हूं आपको, प्रसंग पर बोले थे मैंने, क्या कोई बड़ा आयोजन था, कहां का था, सुनो। ऐसा है, जीवन पूरा हो जाए, क्या जीवन तो सबका पूरा होगा, और जीवन पूरा होने के पहले पहले शरीर के प्रति अपनापन टूट जाए, आयु पूरी होने के पहले शरीर के प्रति अपनापन टूट जावे, तो उस मरण का नाम समाधि मरण, और जीवन पूरा हो और शरीर से अपनापन न टूटे उसका नाम। क्या फर्क है मरण में और समाधि मरण में, बोलो क्या फर्क है, दो वाक्य कहे हैं मैंने, क्या फर्क है मरण में और समाधि मरण में, कुछ फर्क ख्याल में आया। मरण तो दोनों में है ना, ये मरण है, इनका मरण हो गया, इनका समाधि मरण हो गया, तो क्या फर्क क्या है दोनों में, दोनों में तुलना तो करके देखो। आयु तो दोनों की पूरी हो गई, इसका मतलब मरण तो दोनों का हुआ, इनके पहले समाधि क्यों लग गया और इसके पहले समाधि क्यों नहीं लगा, ये खाली मरण है और ये समाधि मरण है, तो समाधि क्यों रोग लगा दिया उसके साथ में, इसलिए लगा दिया गया उसके साथ में क्योंकि शरीर के प्रति अपनापन टूट गया था। बस शरीर के प्रति अपनापन टूट गया और फिर मरण हो तो समाधि मरण, और अपनापन नहीं टूटा तो बोले मरण। बोलो क्या करना है, शरीर तो दोनों में टूटेगा छूटेगा, सही कहा उल्लास भाई, एक में अटैचमेंट है और एक में डिटैचमेंट है, बस मरण है उसमें अटैचमेंट है, और समाधि मरण है उसमें डिटैचमेंट है, बस इतना सा है, डिटैच रह करके
शरीर भिन्न, खत्म, कहानी हो गई पूरी। भाई साहब क्या दृश्य होगा वो, क्या परिस्थितियां होगी। कितना था जयपुर टोडरमल जी की ख्याति और प्रसिद्धि का थोड़ा सा अंदाजा है आपको। टोडरमल जी ने जब संवत 1821 में क्या एक इंद्रध्वज विधान कराया था, 1821 में जब इंद्रध्वज विधान कराया था, उस समय मोती डूंगरी में जयपुर शहर के बाहर जंगल में जाकर के वहां तैयारी करवाई। 10,000 लोग उसके अंदर उपस्थित हुए थे उस आयोजन में, 10,000 लोग। कल्पना करो आप, इंद्रध्वज विधान का जो मांडना बनाया गया था विधान के लिए, वो मांडना इतना बड़ा बनाया गया था, 64 वर्ग गज मांडना था, 64 वर्ग गज का। रायमल जी ने लिखा है इंद्रध्वज विधान पत्रिका में, 64 वर्ग गज का मांडना। एकदम तो मैं चक्कर खा गया यार, 64 वर्ग गज कितना बड़ा होगा, ये क्या होगा। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा उपयोग लगाया तो मुझे लगा 64 वर्ग गज का अर्थ ऐसा समझना चाहिए 8 गज लंबा और 8 गज चौड़ा, 1 गज में 3 फिट होते हैं, तो 24 फिट लंबा और 24 फिट चौड़ा वो हो सकता है, वो प्रैक्टिकल लगता है। कहते हैं पूरी की पूरी की रचना खड़ी की थी उन्होंने वहां इंद्रध्वज विधान मनाते समय, क्या ख्याति थी, कौन कौन से दुनिया भर से लोग उस विधान में सम्मिलित होने के लिए आए थे, कितने शहरों के, कितने गांवों के, जगह जगह के नाम लिखे उस पत्रिका में, इस जगह से लोग टोडरमल जी के नाम से आकर्षित होते थे, इतनी ख्याति। और फिर भी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई, साल दो साल में ही मौत के घाट उतार दिया। क्या आज में क्या स्थिति बनी होगी जब टोडरमल जी की मौत हो गई होगी, बहुत खराब स्थिति हो गई थी। पूरे जयपुर नगर का क्या हाल हुआ होगा उस समय में। भाई साहब राजा को माफी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़ने पड़े राजा को, राजा को खेद हुआ बाद, राजा को पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप और खेद पूर्वक राजा ने फिर जैन समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किए, बहुत मंदिर बनवाए, जैन समाज को इतना संरक्षण प्रदान किया जिसकी हद नहीं है, जिससे शांति का वातावरण रह सके। बोलो वो क्या समय था। हे टोडरमल जी साहब ये मिल गए, ये समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है, आत्मघात नहीं है, आत्मघात नहीं है, वो मरने के लिए तैयार हो गए थे, इसका मतलब आत्मघात नहीं है। क्या कब छूट जाए शरीर, पता नहीं किस व्यक्ति का जीवन कब पूरा हो जाए। भाई साहब क्या उनकी स्मृति में बना टोडरमल स्मारक, टोडरमल स्मारक अभी बना 50 साल पहले, 52-53 साल हो गए बने हुए, उनकी स्मृति में बनाया, जैन समाज ने बनाया, जयपुर जैन समाज ने, पूरन चंद जी गोदिका ने अकेले ने हिम्मत की, मैं बनाऊंगा अकेला और बना करके समाज को समर्पित करूंगा। ये सब काम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं इस तरह के, लेकिन कौन व्यक्ति आत्मघाती। ऐसा ऐसा सुनते हैं टोडरमल जी गोदिका गोत्रज थे, पूरन चंद जी को कहा ऐसा, गुरुदेव श्री ने कहा, मैंने ऐसा भी सुना उनको जी ने भी कहा, गुरुदेव श्री ने कहा अरे गोदिका तेरी गोत्र के टोडरमल जी के नाम से कुछ काम कर, स्मारक बना दिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया, भारिल जी को बुलाया गया, बाद में उन्होंने संभाला उसको, सबको देखा। ये बड़े गजब के हुए हैं भाई साहब। मैं तो ये समाधि मरण का जो ये प्रकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, राजा माधो सिंह जी के समय की घटना है, जयपुर नरेश माधो सिंह जी। क्या अपूर्णीय क्षति है टोडरमल जी की, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन टोडरमल जी हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, टोडरमल जी हमारे हमारे हृदय में बसे हैं। मैं तो कहता हूँ जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैंने बीच में कई बार कही है बात, टोडरमल जी मेरे माथे पर बैठ करके बोल रहे हैं, फील करता हूँ टोडरमल जी को, अनुभव करता हूँ मैं वहाँ उस मंदिर के अंदर। टोडरमल जी बैठते थे, प्रवचन करते थे, यहीं बैठते थे, यहीं खड़े रहते होंगे, चर्चा करते होंगे, कभी किसी पिलर को हाथ लगाता हूं तो ऐसा फील करता हूं यहां टोडरमल जी हाथ लगा करके खड़े रहते थे, यहां बातें करते थे, ऐसा अनुभव होता है, बड़ा गजब का। दोपहर में जो क्षेत्र चूड़ामणि के प्रवचन चलते हैं ना, ये वहीं के हैं, टोडरमल जी के मंदिर के। चलिए तो अभी तो पता नहीं ये कब तक ये अपने बंद बंद की स्थिति रहेगी, फिर वहीं से करना है अपने को, तो अपना तो स्थान वही है। क्या कह रहे हैं यहाँ 178 पढ़ो, आत्मघाती कौन, कषायों से मरा वो आत्महाती, आत्महत्यारा, नी कषायी होकर के मरा वो व्यक्ति कषायी नहीं है, खेल खत्म। 197 पेज नंबर निकालो, 196 पूरा हो गया, अब ये कैसा सुमेल को आप, 196 नंबर पेज अपना यहाँ पूरा हुआ है, 196 नंबर पेज
श्लोक तक टोडरमल जी ने प्रकरण लिखा है और 86 पर आकर के ही अपनी ये यहाँ ये चर्चा ऐसी हो गई है। ऐसे पता नहीं आज ये वैसा भाव बना समाधि के प्रसंग में तो ये सब टोडरमल जी के संदर्भ में बातें हो गई। 178 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ, जरा श्लोक देख लीजिए, दो चार मिनट हैं अभी अपने पास में, 5 मिनट, तो ये श्लोक और उसके भावार्थ का कुछ प्रकरण पूरा हो जाएगा। वैसे भी श्लोक में और भावार्थ में कुछ खास कहने का नहीं है, असली जो चर्चाएं इसके विशेषार्थ में जो लिखी है समाधि मरण के संदर्भ में, वो तो फिर खुलकर के करेंगे ही, अपन रोजाना करेंगे अभी दो चार दिन आपके बीच में, क्या होता है समाधि और क्या होता है मरण, और क्या होता है समाधि मरण, कैसे होती है समाधि मरण की तैयारी, क्या होती है समाधि मरण की प्रक्रिया, समाधि मरण का प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, सब चर्चाएं करेंगे अपन थोड़ी बहुत खुल करके। आत्मघाती कौन है यह बताते हैं 178। यो ही कषाया विष्ट है कुंभक जल धूम केतु विशेषास्त्र व्यपरोपयति प्राणान तस्य स्यान् नित्यमात्मवध। अन्वयार्थ ही माने निश्चय से, कषायाविष्ट कषायादि क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ, क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ यह जो पुरुष कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्र ही, अब समझ रहे ना, ये बात आ गई यहाँ कि टोडरमल जी ने क्यों लिखा ये सब। उनको लगने लगा था शायद शस्त्र से घात कर दिया, शायद जहर दे दिया जाए, शायद मुझे आग से जला दिया जाए, शायद जीवन पूरा हो जाए, अचानक ऐसी परिस्थिति हो जाए, बोलिए हैं तो क्या करें। पुराने को में 147 नंबर पेज है, कह रहे श्वास निरोध जल अग्नि विष शस्त्र आदि से अपने प्राणान प्राणों को व्यपरोपयति पृथक करता है, तस्य उसे नित्यम आत्मवधे सदाकाल आत्मघात से होता है। सदाकाल आत्मघात है भाई साहब, क्या बोलो, सदाकाल आत्मघात मर ही रहा है वो तो है सत्यम है, पुरानी पुस्तक में वास्तव में आत्मघात करता है। सत्यम सत्यम शब्द ही होना चाहिए यहाँ, नित्यम है सच में, ये तो और विचारणीय है। पुस्तकों में सत्यम शब्द छपा है, श्लोक में भी सत्यम है पुरानी पुस्तकों में, ये नई पुस्तकों में नित्यम है। सत्यम आत्मवध है, वास्तव में है, अर्थ तो यही ज्यादा उचित बैठता है सदाकाल की जगह। ठीक ही यह श्रावक है कषायाविष्ट है सन कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्र ही प्राणान व्यपरोपयति तस्य नित्यम आत्मवधे स्यात्। जो जीव क्रोधादि कषाय संयुक्त होकर श्वास निरोध, जो जीव कषाय संयुक्त होकर कषाय से जुड़ करके कषाय संयुक्त होकर श्वास निरोध अर्थात फांसी लगाकर जल में डूबकर, कितने तरह की परिस्थितियां हो सकती है, कोई व्यक्ति जल में डूब करके मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, फंदा लगा लिया अपना है, पानी में जलकर विष भक्षण कर या शस्त्र आदि के द्वारा अपने प्राणों योग करता है, उसको सदाकाल सदाकाल की जगह वास्तव में घात का दोष लगता है। सच में वो आत्मघाती है जिसने अपने देह के प्रति ममत्व रखते हुए या क्रोधादि कषायों से संयुक्त होकर के, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्रोध कषाय से संयुक्त हुआ तो गड़बड़ हो गई, और क्रोध कषाय से संयुक्त नहीं होता तो सब बराबर था। इसका मतलब गड़बड़ सारी जहां भी हुई है ये क्रोध कषाय से संयुक्त पने में हुई है। भावार्थ की 3 लाइन और देख लेवे, 4 लाइन, जो जीव क्रोध मान माया लोभादि कषायों की तीव्रता से अथवा इष्ट वियोगी के खेद से या आगामी निदान के वश होकर अपने प्राणों का घात करता है, मैं जीना नहीं चाहता, आत्मघात कर लिया उसने, आत्महत्या कर ली उस व्यक्ति ने, उसको ही आत्मघात का दोष लगता है। आत्महत्या का दोष किसे लगेगा, कषाय से,
आत्महत्या का दोष किसे लगेगा? मान कषाय से पीड़ित है। आत्महत्या का दोष किसे लगेगा? मायाचार से पीड़ित है, छल कपट से पीड़ित है, लोभ से पीड़ित है, उस व्यक्ति को आत्मघात का दोष लगेगा, लगेगा और अवश्य लगेगा। इस प्रकार संन्यास में आत्मघात नहीं है, क्योंकि संन्यास में कषाय नहीं है, संन्यास में आत्मघात नहीं है, संन्यास में आत्महत्या नहीं है। संन्यास लेने वाले ने, संलेखना लेने वाले ने, समाधि लेने वाले व्यक्ति ने अपनी कषायों को जीता है, इसलिए वो आत्मघात नहीं है। भाई साहब, आप किस गलत फहमी में हैं? आप उसे कैसे आत्मघात कह सकते हैं, उसे आत्महत्या कैसे कह सकते हैं आप? वो आत्मघात नहीं है। कितना गजब का प्रकरण है, बहुत सुंदर और मार्मिक रीति से ये प्रकरण यहाँ चलने वाला है। बड़ी विशेष प्रकार की चर्चाएं हैं, प्रत्येक आत्मार्थी को जानने योग्य है, क्योंकि समाधि मरण की भावना प्रत्येक आत्मार्थी की होती है। हम सब भी समाधि के सही स्वरूप को समझकर, संलेखना के सही स्वरूप को समझकर, संन्यास के सही स्वरूप को समझकर, संलेखना और समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ बाणों में करना।